Now, we are going to see the further guidelines for the termination of the therapy, which includes that in what and why situations we have to send the letters to the clients offering them the termination process and the policies for the termination of therapy. Sending termination letters to the client may be a very tricky yet a very integral process in termination. A termination letter records the end of the therapy as well as the reasons of the termination so a official draft which we send to the client it says that you are no more going to seek the therapy from the said therapist and what could be the possible reasons because of which the termination has been planned it can help clarify the nature and reason of termination especially if client is emotional or angry during your termination meeting Now, आप एकदम से लेटर नहीं भेज देते इवेंचुअली हमने जब टर्मिनेट करना है तो उसके डिफरेंट कोड्स होंगे डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे टर्मिनेशन के लिए सबसे पहले एक मीटिंग प्लान की जाती है जिससे प्रायर बताया जाता है कि हम एक टर्मिनेशन की मीटिंग प्लान कर रहे हैं इट कुड बी वन और टू मीटिंग्स बट येस ऑफकोर्स एटलीस्ट वन मीटिंग इज नी अब अगर उस मीटिंग में क्लाइंट जो है वो बहुत एंगर शो करता है बहुत फ्रस्ट्रेशन शो करता है वो कहता है कि मैं इसको एंड नहीं करना चाहता आई विल लिव इन दिस थेटिक रिलेशनशिप और इसके बगैर तो मेरी लाइफ एंड हो जाएगी या उसके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपनी शेयर करने लग जाता है तो बात कंप्लीट नहीं हो पाती मीटिंग का एंड कंक्लूड नहीं हो पाता विद अ नोट दैट थेरेपी इज गोइंग टू टर्मिनेट इन दैट केस द लेटर हेल्प दस अलॉट और वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ जाता है विच प्रूव्स दैट थेरेपी इज गोइंग टू बी टर्मिनेट एंड वट बी द पॉसिबल रीजन मीन द इमोशनल फ्रस्ट्रेशन ऑफ द क्लाइंट गेट सेटल्ड और वो उस लेटर को पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसको बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकता है रादर देन कि वो सिर्फ उस मीटिंग में ही उसके साथ बार बार डायलॉग किया जाए और उसे बताया जाए दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द थेरापूटिक इंटरवेंशन और वो उससे कंटिन्यूस फ्रस्ट्रेट होता रहे तो ये जो टाइम मिल जाता है और ये लेटर आ जाता है उससे एक सेटल सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है देन द टर्मिनेशन लेटर

ऑल दो यहाँ ज़रूरत नहीं है कि आप उसको फॉर्मल लेटर भेजें लेकिन ऑन अ सेफ साइड ऑन अ एथिकल नोट ऑन अ प्रैक्टिकल नोट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको भी एक फॉर्मल लेटर सेंड करें सम थेरेपी सेंड अ ब्रीफ टर्मिनेशन लेटर टू एवरी क्लाइंट्स हु क्लाइंट वेस्टर्न कंट्री में तो इट्स अ प्रोसेस कि जैसे हम आता है और हम उसके साथ एक इन्फॉर्म कंसेंट और बायोडाटा लेते हैं जब क्लाइंट जाता है तो हम उसको डेफिनेटली एक छोटा सा टर्मिनेशन लेटर दे देते हैं

जो ऑलरेडी ऐसे प्रोसेस से गुजर चुका है जहाँ उसको रिजेक्शन हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट था वहाँ पे हमें लेटर भेजना इज मोर सेफ इज मोर कॉशियस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टू अदर क्लाइंट्स टर्मिनेटिंग विद द क्लाइंट बिकॉज ऑफ अ पुअर फिट अगर आप उस क्लाइंट के लिए एक अच्छे थेरेपिस्ट साबित नहीं हो रहे तो इट्स वाइज अनफ एंड इट्स एथिकल अनफ़ कि आप उसको एक लेटर भेज के ये इन्फॉर्म कर दें दैट यू शुड सी थेरेपी फ्रॉम सम अदर थेरेपिस्ट हु स्पेशलाइजेशन इन द एरिया ऑफ

सम प्रोटेक्शन अगर किसी स्टेज पे जो ट्रिकी क्लाइंट्स होते हैं जो डिफरेंट uh, तरह के रिलेशनशिप इश्यूज के साथ आते हैं जिन्हें बॉर्डर लाइन परसनैलिटी होती है वो बाद, बाद में अपनी किसी प्रॉब्लम का नेम क्लाइंट पे डाल देते हैंल्फ हार्म बिकॉज आई वॉज अपसेन डन दिस टू मी तो यू हैव दैट टर्मिनेशन लेटर विच कैन गिव यू अटटेक्शन डेट यू आर नो मोर इन टू अपीटिक रिलेशनशिप एंड दैट कैन प्रोवाइड अ काइंड ऑफ सेफ टू यू